यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। पहला राउंड आपका वो होना चाहिए जो स्क्रीनिंग राउंड के साथ आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आप जैसे जैसे क्वांटिटी इक्वेशन के क्वेश्चन है थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं, टाइम लग सकता है, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते चलिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा क्या है, अ सेट ए कंटेन थ्री एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट है, थ्री, एंड अनदर सेट बी कंटेन सिक्स एलिमेंट, राइट, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए दो चीजें होती है, एक मिनिमम होता है एक मैक्सिमम हो सकता है। तो मिनिमम तो सिक्स होंगे, मान लीजिए ये भी ए बी सी हो और ये भी ए बी सी डी ई एफ हो, तो मिनिमम सिक्स होंगे। अगर मैक्सिमम बोला होता तो नाइन होते, नाइन कैसे हो सकता है, ये तीन ही थ्री अलग अलग होते, तो मैक्सिमम वर्ड पूछा होता तो नाइन, मिनिमम पूछा है यूनियन है वो भी, तो मिनिमम होंगे सिक्स, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का तरीका हो सकता है सिंपली आप करना चाहे तो। फिर नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ऑक्टागोन। अब आपको याद होगा नंबर ऑफ डायगोनल मतलब NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स n, यानी आप चाहे तो हमने ऐसा फॉर्मूला भी बनाया था डायगोनल के लिए n n माइनस 3 बाय 2, या ऐसा याद रखिए NC2 माइनस ऑफ n। ऑक्टागोन है तो ऑब्वियसली 8 साइड होंगी, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 5 बाय 2, यानी कितना 20। तो ये वो क्वेश्चन है जो मेंटली आप कर पा रहे हैं, ऑक्टागन है तो 8C2 माइनस ऑफ 8, 8 इंटू 7 बाय 2 माइनस ऑफ 8। पर जहां पे टाइम बचता हो जरा भी वहां पर टाइम हमेशा बचाने की कोशिश करिए, यही चीजें हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। जैसे उसके बाद डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले सकता है, उसके बाद वाला डिटरमिनेंट भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप बाद में भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन ये है, इफ इफ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ए। देखिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं इसलिए ये एक टाइम भी हमारा किल होता है, पर इसको सेव आपको मैंने बोला था पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना है। अब सबसे पहले अगर हम समझें तो ये एक फैक्टर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो दिया है और आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ही क्या, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू डिटरमिनेंट, और ये जीरो दिया है तो होल रिजल्ट विल बी जीरो, यानी देखते ही आपने बिना पेन उठाए आंसर दे दिया, होल रिजल्ट विल बी जीरो। फिर देखिए उसके बाद का एक जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है समझते हैं, और इसी ऑर्डर में पेपर करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप गेन होगा, यही तरीका था पढ़ाने का, सब कुछ पढ़ाई हुई चीजें हैं, कई चीजें क्विक रिवीजन में जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो भी आए। देखिए ये है, देन द एक्सप्रेशन ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ टू ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर, अब इसको मेंटल राउंड मतलब इसमें अगर आप लिखते हैं तो इसको आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं, पर क्वेश्चन लंबा नहीं था, अटेम्प्ट कर लिया आपने, ये रो ली ये कॉलम लिया, देखिए क्या हुआ, वन माइनस माइनस प्लस वन कितना हो गया, ऑब्वियसली 2 हो गया, राइट। अब एक बार बताइए, फिर इसके साथ इसको लिया तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस वन, यानी माइनस 2 हो गया, फिर इसके साथ इसको लिया, इस कॉलम के साथ इसको, तो माइनस वन माइनस वन माइनस 2 हो गया, और इसके साथ जब लिया तो प्लस 2 हो गया, यानी आपको एक तरह से ए स्क्वायर ऐसा कुछ मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी होना है, तो स्क्वायर पे 2 आ गया तो क्यूब पे क्या आ गया, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए क्यूब मतलब आपके पास जो रिजल्ट लिखा यही कि यही ए कर दीजिए, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, सिंगल स्टेप में आप कंक्लूजन दे पाएंगे कैसे, देखिए आपने 2 और ये 2 प्लस 2 कितना हो गया, सॉरी मतलब मुझे ऐसा लिखना था 2 और प्लस 2 यानी ये हो गया 4। अब देखिए ए क्यूब में यहां 4 आ रहा है और ए स्क्वायर में 2 और एक 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, बीच में माइनस का साइन है तो सभी कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको यहां पर मिलेगा नल मैट्रिक्स, यानी आंसर ए होगा। बाकी अभी आप कर लीजिए, करने में कोई नुकसान नहीं, पूरा समझ के करिए, बाद में करना है मतलब घर पे आके रात को प्रैक्टिस में करना, अभी नहीं, पेपर में तो इतने में कंक्लूजन निकल गया, वैसे भी जनरलाइज हो रहा था 2 इसलिए दिया था। तो देखिए इसका जब किया इसके साथ तो आपको मिला 4, इसके साथ किया तो माइनस 4, इसके साथ क्या तो माइनस 4, इसके साथ क्या तो 4। अब एक क्यूब में से जब आपसे बोला जाए 2 ए स्क्वायर सेपरेट करो तो आप यही करते ना, 4 माइनस 4 माइनस 4
प्लस 4, दिस माइनस दिस कैंसिल, ये प्लस हो गया तो कैंसिल, तो आंसर विल बी नल मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, समझिएगा जरा, और इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देखिएगा। पहले बिल्कुल वो क्वेश्चन करिए जो आप सिंगल स्टेप में कर सकते हैं, फिर सोचेंगे कि हम टू स्टेप थ्री स्टेप क्वेश्चन का क्या करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक का है, इसी पर अब बाद में देखते हैं। व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी क्या होता है, ए ऑन बी अपॉन मॉड बी, वही की वही पेपर में देख के मल्टीप्लाई करिए ए ऑन बी का, 4 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन बी का मॉड, 16 प्लस 16 प्लस 49, राइट क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 प्लस 7 19 अपॉन 32 प्लस 49, यानी 81, तो 19 अपॉन 9 इज आर राइट आंसर। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले कोशिश ये होना चाहिए कि आपका सारा टाइम जो जो बच सकता है वो जरूर बचाएं, उसके बाद ही क्वेश्चन करें। ए ऑन बी पूछा है तो ए डॉट बी आप मेंटली कर सकते थे, अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जितनी स्टेप लिखते हैं उतना टाइम बढ़ता जाता है हमारे लिए, राइट। तो यही एक चीज है जिसको आपको सेव करते हुए चलना, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है और कैसे करना है इसको, समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या करना है। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सही है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट में सीखा है मॉड्यूल स्क्वायर के बराबर होता है, एंड ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो इसमें ये ए इंटू ए हुआ ए स्क्वायर, बी ए और ए बी कैंसिल हो गया, तो पहला सही है, यानी फर्स्ट वाला सही है। अब सेकंड पे अगर आए तो देखिए ए प्लस बी का मॉड इंटू ए माइनस बी का मॉड बोला है ए स्क्वायर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। थर्ड कैसे वो भी बताऊंगा तरीका, अगर आप चाहें तो सिंपल, ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ये डॉट और क्रॉस का सबसे अच्छा रिलेशन है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो राइट, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3 इज राइट। तो 1 और 3 किस में है, सी में, तो 1 और 3। अब सुनिए, अब आपको मान लो इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन होता, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ए को आप ले लो आई, बी को आप ले लो जे, राइट। अब बताइए क्या होगा, जब आपने यहां पर आई और जे ले लिया तो ये हुआ आई प्लस जे, ये हुआ आई माइनस जे, राइट। मल्टीप्लाई करिए, आई से आई का हुआ सेम है 1 माइनस 1 0, यहां पर आई का स्क्वायर 1 आई का स्क्वायर 0, बिल्कुल ठीक है। पर जब आप यहां लेते तो इसका मॉड है ये, तो ये रूट 2 हो जाता और ये भी इनफैक्ट रूट 2 हो जाता और ये मिलता 2 और ये मिलता 0, इसलिए रॉन्ग है। यहां पर भी क्रॉस चेक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आप कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो गए तो मुझे नहीं लगता आपका पेपर में स्कोर कम हुआ होगा, बहुत अच्छा स्कोर हुआ होगा, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को सही करते हुए चलेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले समझे हम कि अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये पूछा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये पूछा है। हमेशा याद रखिए साइन निकालने में टाइम लगता है, मैंने बताया था हमेशा डॉट से करिए क्रॉस से मत करिए। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आप देखिए देख के आप बता सकते हैं कौन सा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस 2 ए बी मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 ये होगा क्योंकि इसमें माइनस 2 ए बी मिलेगा, दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए ये क्यों नहीं होंगे वो भी सुन लीजिए, क्योंकि इसके अपॉन 2 से वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपने क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे
3 आंसर्स रॉन्ग कर दिए। मैंने बताया था आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आप इमीडिएटली दे सकते थे। बाकी इसको करते कैसे, इसका आप स्क्वायरिंग करते तो आप लिखते वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी अपॉन 4। वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। आपको गिवन है यूनिट वेक्टर है ये 1 माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा अपॉन 2। देखिए ये भी 1 1 क्योंकि अगर कभी भी यूनिट वेक्टर बोला जाए तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 2 कॉमन निकल के कैंसिल तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, ये बाय 4 था तो बचा 2। यानी आप इमीडिएटली देख के भी आंसर बता सकते थे। यही चीजें हैं, यही लॉजिक है जो आपको डेवलप करना है। नोट करिए। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, समझे इसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या बोला है, देखिए द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कब होगी, देखिए स्ट्रेट लाइन ये भी होती है, स्ट्रेट लाइन ये भी होती है, स्ट्रेट लाइन ये भी होती है, स्ट्रेट लाइन ये भी होती है। यानी x या y का कम से कम एक टर्म बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए है फॉर ऑल रियल ए बी सी नहीं होगा। अगर ए बी सी जीरो जीरो हो गए तो नहीं हो सकता, इसलिए रॉन्ग। ओनली वेन ए नॉट इक्वल टू जीरो ओनली वर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि बी ए नॉट इक्वल टू जीरो तो आप इसका मतलब ये भी तो जीरो हो सकता है, ये भी दोनों बी सी है बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी रॉन्ग है। डी देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है, ओनली वेन एटलीस्ट वन ए एंड बी नॉन जीरो, कम से कम इसमें एक ए या बी में एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन, दोनों नॉन जीरो होंगे तो भी स्ट्रेट लाइन, और एक भी होगा तो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ओनली वेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी नॉट जीरो, यानी डी जो आंसर दिया था वो करेक्ट आंसर दिया था। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्कैनिंग अकाउंट से आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस पूछा है, तो आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं क्या होता है, आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम है, अदरवाइज आपको पेपर में सब नहीं करना है। राइट, अब जरा ध्यान दें। तो पहला है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए, यानी एम वन क्या है माइनस कॉट अल्फा, एंड दूसरी लाइन है एक्स साइन बीटा माइनस वाई कॉस बीटा इक्वल टू ए, यानी एम टू इक्वल टू है ये अल्फा ये बीटा है, क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी टेन बीटा। ये है एक्चुअल में क्वेश्चन। राइट, अब क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू, जब आप यहां रखेंगे तो ऐसा रख लीजिए टेन बीटा प्लस कॉट अल्फा अपॉन वन प्लस टेन बीटा इंटू कॉट अल्फा। अब सुनिए क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आप साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो एक तरह से कुछ ऐसा बनने वाला है ये साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर यहां माइनस आएगा क्योंकि नीचे वन प्लस है और एक जब हम तब माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, साइन अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा जब आप चेंज करेंगे तो ऐसा मिलेगा साइन बीटा, देखिए ये मिला आपको साइन बीटा नहीं सॉरी ये मिलेगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। इसका मतलब एक तरह से साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी एक तरह से मिल गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। और नीचे ये बनेगा, देखिए यहां पर आप लिखेंगे साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन साइन, इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला बनेगा और ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, कुछ इस तरह से मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस बीटा। एंगल एक्यूट होता है, आप इसे चाहें तो टेन थीटा इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं टेन, चाहें तो पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। राइट, इस ढंग से इसको लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कैंसिल हो गया तो क्या रिजल्ट मिला, तो आप बोलेंगे पाई बाई टू माइनस ऑफ टू अल्फा माइनस ऑफ टू अल्फा। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पर माइनस था तो ये ऐसा हो गया, अगर आपने माइनस
लिया है तो पाई बाई अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, प्लस का टू बीटा या माइनस का टू बीटा दोनों चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए क्या होगा, जब आप यहां लिख रहे होंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो नीचे ये आएगा ऐसा, वन माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो ये मिला साइन अल्फा माइनस बीटा, ऊपर आपने बोल दिया कॉस अल्फा माइनस बीटा, टोटल मिल गया कॉट अल्फा माइनस बीटा, राइट। अब क्योंकि 10 से 10 को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर वो वाली दिक्कत नहीं है, किसी एक को भी आप बना सकते थे माइनस प्लस, क्योंकि एंगल मॉडुलस में होता है। तो एक आंसर ऐसा आएगा, मतलब पाई बाई टू माइनस आंसर आ गया अल्फा माइनस बीटा, ऐसा बोल सकते हैं आप, पाई माइनस टू अल्फा प्लस टू बीटा बाई टू, या पाई प्लस पाई माइनस टू बीटा प्लस टू अल्फा बाय टू, इनमें से कोई भी एक आंसर लिया जा सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, डी इज अ राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लाइन से था, टफ नहीं था, मैंने बता दिया, पर फिर भी मैं बोलूंगा इन क्वेश्चंस को पहली जगह लास्ट में कर ले तो ज्यादा अच्छा है, मतलब सेकंड राउंड में, लास्ट नॉट फॉर लास्ट राउंड में, आप इसको सेकंड राउंड में कर ले वो ज्यादा अच्छा आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी क्वेश्चन मैं सलाह दूंगा कि आप बाद में ही करें तो अच्छा है, पर क्वेश्चन टफ नहीं इसलिए बता देता हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी दो पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, एम कॉस टू अल्फा, एम देखिए एम कॉस टू अल्फा एम साइन टू अल्फा, डिस्टेंस बिटवीन के जो तरीके बताए थे उससे करेंगे, एम कॉस टू बीटा एम साइन टू बीटा, और यहां पर ये पी है ये क्यू है, तो आपसे पूछा है पी क्यू क्या होगा। एक बात देखते ही समझ में आ रही होगी, तो m तो आना ही है, m को लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। अब cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा ये करेंगे, यानी आप ऐसा करेंगे cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा का होल स्क्वायर, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, प्लस सॉरी माइनस sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखेंगे। m पहले ही बाहर आ चुका है, अब हर ऑप्शन में m है, प्रॉब्लम खत्म। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर टू अल्फा साइन स्क्वायर टू अल्फा वन होगा, थोड़ी सी स्टेप बचाने की कोशिश करिए, वन कॉस टू बीटा ये भी वन होगा, तो वन प्लस वन टू, माइनस टू अगर कॉमन ले लूं तो ये एक तरह से मिलेगा कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा प्लस, सॉरी दोनों ही माइनस होंगे, माइनस बाहर ले लिया, तो ये एक तरह से मिलेगा कॉस टू अल्फा माइनस टू बीटा, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यस और नो? यहां पर यह ध्यान रखना है कि माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी की वजह से माइनस टू कॉमन ले लिया, अब इसका मतलब उसका एंगल आधा हो गया और एक टू और आ गया, तो आपको आंसर मिलना चाहिए 2m इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, 2m इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये एक आंसर में दिया गया है और वो आंसर है ए, वो आंसर है ए। अब थोड़ी सी स्टेप लिख के समझा दूं जिससे कि आप समझ पाए, काम जितना काम मेंटल करोगे उतना टाइम सेव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए अगर मैं इसको समझूं तो मैंने क्या किया होगा, कितनी स्टेप बचाई है, इसका टाइम जरा देखिएगा, कॉस स्क्वायर टू अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर टू बीटा माइनस टू कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा साइन स्क्वायर टू अल्फा साइन स्क्वायर टू बीटा माइनस साइन टू अल्फा साइन टू बीटा, कहीं लिखने में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये हो गया। अब देखिए ये वन हुआ और ऐसे ही ये वन हुआ, वन प्लस वन कितना टू, माइनस टू कॉमन लिया। अब आप जब ये स्टेप लिखते हो तो आप अननेसेसरी टाइम भी तो किल कर रहे हो, टू अल्फा इंटू साइन टू बीटा, और ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो ये एक तरह से टू रूट को बाहर निकाल लो अंदर ही कॉमन, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा मिला, एंड देन 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा मिला। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो मॉड आ गया, पर इतने स्टेप्स लिख के जब आप करते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाता है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। नोट करिए क्वेश्चन,